हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स करियर पॉइंट में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग 5-6 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोग एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पहले इसका क्या करते हैं कि जो हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसमें से थोड़ा सा जो इसमें आवश्यकता है उसको पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज बना लेंगे। यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए इसमें देख लेते हैं कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से लेकर के कहाँ तक होता है, +1 तक, और इसका रेंज जो होता है मुख्य वैल्यू होता है -π/2 से π/2 के बीच। वहीं कॉस का देखेंगे तो कॉस का -1 से -π तक डोमेन यानी प्रांत होता है और जो इसका रेंज होता है 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक होता है। उसके बाद से टैन इनवर्स का देखेंगे तो टैन इनवर्स का जो रेंज होता है वह रियल नंबर होता है सभी रियल नंबर के लिए, लेकिन इसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2 तक। उसके बाद से कॉट इनवर्स का देखेंगे तो इसका डोमेन जो होता है रियल नंबर होता है और उसके बाद से इसका मुख्य मान जो होता है 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, पाई तक होता है। उसके बाद सेक इनवर्स का जो होता है इसका जो डोमेन होता है -1 > 1 > x के बीच होता है और इसका रेंज होता है 0 से लेकर के पाई तक, लेकिन जो 90 डिग्री होता है y जब अगर 90 डिग्री होगा तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है इसलिए इसमें शामिल नहीं होता है। उसके बाद से कोसेक इनवर्स x देखेंगे तो इसका जो होता है डोमेन होता है -1 > -1 > x और 1 > x, अर्थात इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं होता है क्योंकि 0 अपरिभाषित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये भी देख लेते हैं कि किसका रेंज जो होता है, तो देख लीजिए साइन इनवर्स x (sin x) = x होता है, लेकिन इसका x का वैल्यू जो होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में यानी उसके रेंज में होना चाहिए। उसी तरह से cos inverse (cos x) = x, tan inverse (tan x) = x, cot inverse (cot x) = x, sec inverse (sec x) = x, उसी तरह से cosec inverse (cosec x) = x। ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें हमने क्या किया है, यह सारे डिग्री वैल्यू जितने भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल दे दिए हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगा, किसी भी मान को हम आसानी से इसमें देख के भी बता देंगे ताकि कितना होगा, जिनको याद नहीं होगा वो अपना देख लेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन कराएंगे तो इसमें वैल्यू आपको निकाल के दिखा देंगे, इसमें वैल्यू सामने दिखा देंगे कि कितना होता है, इसी कारण से हमने बनाया है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एनसीईआरटी बुक हल करना शुरू करते हैं। इसमें पहले देखते हैं लिखा हुआ है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/√2, तो देख लीजिए साइन इनवर्स का पहले हमें मान कितना होता है, तो -π/2 से π/2 के बीच में। यह कितना का वैल्यू है, तो -45 डिग्री का मान है, लेकिन आपको दिखा देते हैं तो देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि साइन इनवर्स का जो
यह वैल्यू है, तो साइन इनवर्स में देख लीजिए कि साइन इनवर्स में साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स होता है, और इसका रेंज जो होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होता है। और वैल्यू देख लेते हैं तो यही है कितना, पाई बटा वन बाई अंडर रूट टू, यानी यह क्या है 45 डिग्री का मान है, पाई बटा फोर का मान है, तो हम पाई बटा फोर माइनस लगा के रख लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें यह हो गया साइन इनवर्स, ठीक है, इसका मान जो लिखना है माइनस साइन पाई बटा फोर का यह वैल्यू है, कितना का वैल्यू है, पाई बटा फोर का वैल्यू है। चलिए आपको दिखा देते हैं, आपको क्वाड्रेंट तो मालूम होगा, हई होगा 90 डिग्री और हई होगा इधर आइएगा तो माइनस में आएगा, यानी इधर आएगा माइनस 90 डिग्री, तो इसी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा आ नहीं तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, तो आप जानते हैं कि अगर साइन 2 पाई आ माइनस अगर थीटा होता है तो यह क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो थीटा के बदले में हम क्या लिख लेंगे, इसी माइनस साइन थीटा के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे थीटा के जगह पर पाई बटा फोर का मान है तो माइनस लगा के साइन पाई बटा फोर लिख लिए, ठीक है। उसके बाद जब आगे हल करिएगा तो देख लीजिए यह हो गया साइन इनवर्स इनटू, एक बात तो आप अच्छी तरीका से जानते होंगे, एक हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसी प्रॉपर्टीज का जब हम यूज करेंगे तो देख लीजिए जब माइनस लगा रहता है तो थीटा में माइनस लगा देते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हम थीटा के साथ लगाएंगे, अर्थात हम साइन आ लिख सकते हैं माइनस पाई बटा फोर, तब ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमें बच क्या जाएगा, यहाँ पे पाई बटा फोर बच गया और यही हमारा आंसर हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख्य मान कितना का, इसलिए हम कह सकते हैं साइन इनवर्स माइनस वन बटा अंडर रूट टू का मुख्य मान बराबर माइनस पाई बटा फोर होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हट जाते हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉस इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू है, यह जो मान होता है यह क्या होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है, जैसे आप देख सकते हैं इसका मुख्य जो मान होता है कहां से कहां तक होता है, कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, इसका मुख्य मान 0 से पाई के बीच होता है, 0 से पाई के बीच होता है, तो देख लीजिए
हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, यही ना कॉस में चाहिए, अंडर रूट 3/2। तो देख लीजिए 30 डिग्री का मान है, यानी पाई बाई 6 का वैल्यू है। तो देख लीजिए हम पाई बाई 6 का प्रयोग उसमें करेंगे। अभी आप देखें कि यह पाई बाई 6 का वैल्यू है, तो अगर हम यहाँ पे कॉस इनवर्स लिख लें और इसके बदले में कॉस हम कितना लिख लेते हैं, इसके बदले में हम कॉस और ये पाई बटा 6 का यह मान है, तो पाई बटा 6 लिख लिए। अब ये कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, अर्थात इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा, पाई बटा 6 हो जाएगा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो इसका मुख्य मान कितना मिल गया, पाई बटा 6। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स इंटू अंडर रूट 3/2 का मुख्य मान जो होगा वह क्या हो जाएगा, पाई बटा 6 होगा। इसको भी नोट करना है तो कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी इसमें देखेंगे तो कोसेक इनवर्स अंडर रूट की कोसेक इनवर्स कितना है, 2 है। तो यह जो वैल्यू होता है यह भी पाई बटा 6 का ही मान है, अर्थात 30 डिग्री का ही वैल्यू है। कोसेक का मान देख लीजिए, इसका जो रेंज होता है कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स बिलोंग्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, जिसमें 0 इसमें शामिल नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि यह जो मान 2 था, तो देख लीजिए यह कितना का वैल्यू है, तो 30 डिग्री का मान है, कोसेक 30 डिग्री का मान है। इसी काम को प्रयोग करना है, तो देख लीजिए हम लोग प्रयोग करेंगे इसी वैल्यू का। तो इसमें देख लीजिए यह हो जाएगा कोसेक इनवर्स, ये कितना का मान है, तो 30 डिग्री का, तो इसमें कोसेक और ये 30 डिग्री का वैल्यू है, अर्थात यह कितना का वैल्यू है, पाई बटा 6 का। अब यही का हो जाएगा कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, बच गया पाई बटा 6, तो इसका भी आंसर हो जाएगा पाई बटा 6। इसलिए हम कह सकते हैं कोसेक इनवर्स 2 इज का मुख्य मान बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 6 हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टैन इनवर्स अंडर रूट 3, तो यह जो अंडर रूट 3 होता है यह 60 डिग्री का मान होता है। कितना का मान होता है, 60 का यह वैल्यू होता है। तो इसको चलते हैं, तो देख लीजिए इसका भी, ताकि बार बार देखने से याद भी हो जाता है। तो tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x, आ x बिलोंग्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच इसका रेंज जो होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान दे दीजिए कि आपका अंडर रूट 3 जो वैल्यू होता है टैन में ना देखना है, तो टैन में देखेंगे तो अंडर रूट 3 जो वैल्यू होता है वह कितना का होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, अर्थात इसी का हमें यूज करना है।
तो देख लीजिए, हम इसके बदले में आसानी से लिख सकते हैं टैन इनवर्स। टैन इनवर्स लिख लिए, और टैन इनवर्स के बाद इसका मान जब हम लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यह टैन और ये कितना का मान है, तो पाई बटा थ्री यानी 60 डिग्री का मान है। तो टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, टैन इनवर्स टैन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमें पाई बटा थ्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि टैन इनवर्स अंडर रूट थ्री का मुख्य मान बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा थ्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को भी लिखना है तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें देखेंगे कि कोसेक इनवर्स माइनस 1/2, तो यह जो वैल्यू होता है एक सौ बीस डिग्री का मान होता है। 120 डिग्री देख सकते हैं इसमें, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स, और इसका रेंज जो होता है 0 से पाई के बीच में। अर्थात हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसका जो मान जो होता है, देख लीजिए कॉस 120 डिग्री का जो मान है -1/2 कितना है, 2 है। अर्थात इसी वैल्यू का हमें यूज करना है, तो हम इसका मान ले लेते हैं। देख लीजिए इसमें जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स, और यह जो मान है 120 डिग्री को 2π/3 कहते हैं। तो ये देख लीजिए कॉस 2π/3, अर्थात यह कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2π/3। और इसी प्रकार से कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर 2π/3 होगा, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो देख लीजिए टैन इनवर्स -1। तो -1 तो क्या होता है, इसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, लेकिन यह जो है -45 डिग्री का वैल्यू है। इसका जो रेंज देख लीजिए -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो जब इस रेंज में नहीं आता है, इस रेंज में माइनस में मान नहीं आता है, तो देख लीजिए जब माइनस में लेंगे तभी माइनस में आएगा। तो देख लीजिए यह 90 डिग्री तक देखेंगे तो इसमें कोई वैल्यू टैन में माइनस में नहीं है, अर्थात इसी को मान को लिखेंगे लेकिन माइनस लगा के लिख लेंगे। तो देख लीजिए इसको तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि टैन इनवर्स, और यहाँ पे टैन
माइनस टेन पाई बटा थ्री। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो रेंज है इसमें है माइनस नब्बे से प्लस नब्बे, यानी फर्स्ट चतुर्थांश और चतुर्थांश में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें जो टेन होता है टेन टू पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। तो जब माइनस टेन थीटा होता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस लगा के लिख सकते हैं। तो हम क्या कर दिए, माइनस लगा के लिख लिए। और एक चीज़ और ध्यान आपको देना है कि हम क्या लिख लें यहाँ पे, टैन इनवर्स, और इसको आप लिख सकते हैं टैन और माइनस पाई बटा थ्री। एगो आप प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसी में आप पढ़े हैं कि टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर जब आगे माइनस होता है तो हम थीटा में लगा लेते हैं, अर्थात एक्स के साथ आ जाता है। तो जब माइनस यहाँ पे लगाया आगे तो यह थीटा के साथ आ जाएगा। तो इस प्रकार से टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा और इसका मान मिल जाएगा माइनस पाई बटा थ्री, और यह जो होगा आंसर हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स माइनस वन का मुख्य मान जो होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस पाई बटा थ्री, और यह हो जाएगा इस प्रकार आंसर। इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। और यदि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो यह दिया है sec इनवर्स टू बटा अंडर रूट थ्री। तो हम इसको हल करने का शुरू करते हैं। तो इसका पहले रेंज आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए sec इनवर्स इंटू sec x बराबर इसका रेंज कितना होता है, x का जो वैल्यू होता है देख लीजिए जीरो से पाई के बीच में, जिसमें 90 डिग्री को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसका मान इन्फिनिटी होता है। या देख लीजिए sec में जो वैल्यू आप यूज कर रहे हैं टू बटा अंडर रूट थ्री, अर्थात यह कितना का वैल्यू है, 30 डिग्री का वैल्यू है। तो 30 डिग्री का जब वैल्यू है तो देख लेते हैं हम, देख लीजिए यह 30 डिग्री का वैल्यू है, अर्थात हम लिख सकते हैं sec इनवर्स sec, और ये 30 डिग्री का मान है तो हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पाई बटा सिक्स। छोटा ब्रैकेट का भी हम यूज कर सकते हैं यहां पे। सेक अर्थात 30 डिग्री का वैल्यू हो गया, सेक इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, अर्थात यह पाई बटा सिक्स हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि sec इनवर्स इंटू टू बटा अंडर रूट थ्री का मुख्य मान
बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई बटा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 का जब बात करेंगे तो यह कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है। देख सकते हैं कि कॉट जो होगा इसका मुख्य मान जो होगा वह कहां से कहां तक होगा, कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स बराबर एक्स होता है, लेकिन एक्स का मान 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो देख लीजिए कॉट जो है अंडर रूट 3 या 30 डिग्री का वैल्यू है। तो 30 डिग्री का जब वैल्यू है तो हम 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे यह जो हो जाएगा कॉट इनवर्स और यह जो मान है 30 डिग्री का, तो हम लिख सकते हैं कॉट पाई बटा 6 और कॉट कॉट कैंसिल हो गया, अर्थात इसका भी वैल्यू मिल गया पाई बटा 6। अर्थात इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 का मुख्य मान बराबर कितना हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा अभी निकाले हैं पाई बटा 6, पाई बटा 6 और यह हो गया आंसर। इस प्रकार आप 8 नंबर तक क्वेश्चन बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कॉस इनवर्स -1/√2। तो यह जो मान है 135 डिग्री का वैल्यू है। तो देख लीजिए सबसे पहले इसमें तो आपको देख लेना चाहिए कि कॉस जो होता है इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई के बीच में। तो हम इसको ले सकते हैं, तो देख लीजिए कॉस 135 डिग्री का जो वैल्यू है वह -1/√2, अर्थात हम इसको आसानी से ले सकते हैं 3π/4। तो देख लीजिए हम यहाँ पे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं कॉस इनवर्स इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 3π/4, 135 डिग्री, अर्थात कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 3π/4 इसका मुख्य मान हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान बराबर 3π/4 और यह हो जाएगा आंसर। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोसेक इनवर्स -√2। तो यह जो वैल्यू है कितना का होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है, लेकिन प्लस में होता है माइनस में नहीं होता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कॉसेक जो होता है इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से +π/2, अर्थात कोई भी वैल्यू लेना है हमें तो -90 से +90 के बीच लेना है।
आप जबकि इसमें देखिएगा तो माइनस पाई बाई यह माइनस अंदर टू तो होता है 135 डिग्री का, लेकिन यह नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका रेंज जो होता है माइनस 90 से प्लस 90 तक होता है। इसलिए हम इसका प्रयोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। जब करेंगे तो इसी का प्रयोग करेंगे, लेकिन माइनस लगा के कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसमें यह जो हो जाएगा कोसेक माइनस अंडर रूट टू जो है इसके बदले में हमें क्या करना है, तो देख लीजिए माइनस कोसेक पाई बाई 4 का प्रयोग कर देना है, यानी कितना हो गया माइनस 45 डिग्री का मान हो गया। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, एक थ्योरम जो पढ़े हैं उसी के आधार पे इसको लिख सकते हैं कोसेक माइनस पाई बटा 4। तो जब माइनस पाई बटा 4 कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाए, नेक्स्ट चलते हैं तो देख लीजिए यह हो गया टेन इनवर्स। तो इसमें देख लीजिए इसको तो हम लिख ही सकते हैं टेन इनवर्स इंटू टेन आई पाई बटा 4 का मान है तो पाई बटा 4 और प्लस ये कोसेक कॉस इनवर्स आई कितना का मान है, तो यह जो मान है 120 डिग्री का मान है। कितना का मान है 120 डिग्री का मान है, तो इसको लिख ही सकते हैं कॉस 2 पाई बटा 3 और प्लस इसको साइन जो है वह साइन यह कितना डिग्री का मान है 30 डिग्री का मान है, लेकिन 30 डिग्री का जो मान होता है वह 1/2 होता है, लेकिन माइनस 1/2 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आ जबकि इसका ये भी जानते हैं कि इसका जो रेंज होता है माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 30 डिग्री यानी पाई बटा 6। तो देख लीजिए यह तो कैंसिल हो जाएगा तो पाई बटा 4, यह भी कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई बटा 3 आ प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और यहाँ पे देख लीजिए यह जो है वह क्या है साइन, आ इसको अंदर भेज दीजिए तो माइनस पाई बटा 6 हो गया और यह कैंसिल होके ख़त्म हो जाएगा। अर्थात पाई बटा 4 आ प्लस यह 2 पाई बटा 3 और यह कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको माइनस पाई बटा 6। एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 12, इससे भाग दे दीजिएगा तो 3 मर्त में यानी 3 पाई, आ इससे भाग दीजिएगा तो कम अर्थ में 4 मर्त में, तो 4 × 8 ऊपर वाला में गुना कर दीजिए, इससे भाग दिए तो 3 मर्त में तो 3 से गुना किए तो 3 पाई, इससे भाग दिए तो 4 मर्त में तो 4 से गुना कर दिए 4 × 8 पाई, इससे भाग दिए तो 2 मर्त में तो ही 2 पाई। अब आप ध्यान दे ही सकते हैं 8 × 3 = 11 में से 2 गया तो 9 पाई आप बटा कितना हो गया 12, तो 3 3 × 9 आ 3 × 4 = 12 यानी 3 पाई आ बटा 4 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इसको भी आप नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स हो गया और इसको आप लिख सकते हैं कॉस, यह कितना का मान है 60 डिग्री का, अर्थात पाई बटा 3 लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, और यह साइन कितना डिग्री का मान है तो 30 डिग्री का मान है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री यानी पाई बटा 6 हो गया। आई कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो यह हो गया पाई बटा 3 और प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा पाई बटा 6 हो जाएगा, हाई हो जाएगा एक मर्त में और ये हो जाएगा 3 मर्त में, दूसरे गया पाई बटा 3 और प्लस पाई बटा 3 अर्थात 2 पाई आप बटा 3 एलसीएम हो गया 3, एक एक जुट गया 2 पाई बटा 3। यह आंसर कंप्लीट, इसे भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई अगर हम मान लेते हैं, तो इसमें देख लीजिए हम आपको सामने ही दिखा देते हैं साइन इनवर्स, तो आप इसमें खुद ही देख लीजिए कि साइन इनवर्स का जो रेंज है वह कहाँ से कहाँ तक है, तो देख लीजिए माइनस पाई बाई 2 से लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू पाई बटा 2, यही जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, अर्थात देख लीजिए माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू पाई बटा 2, यही जो ऑप्शन है ए नंबर ही सही है, केवल इसमें लेस देन है तो यह किसका हो सकता है टेन का हो सकता है, साइन का नहीं हो सकता, इसलिए इसके आंसर जो होगा हम बी नंबर लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है यह कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 60 डिग्री का वैल्यू है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें तो 60 डिग्री का जो वैल्यू टेन में 60 डिग्री का वैल्यू अंदर रूट 2 है, इसी का हमें प्रयोग कर देना है, तो देख लीजिए हम इसमें प्रयोग कर दिए टैन इनवर्स आ इसके बदले में टैन 60 डिग्री अर्थात पाई बटा 3, तो आ माइनस अब ये हो गया सेक इनवर्स आ माइनस अंदर रूट 2, तो 150 डिग्री का मान होता है सेक में, जैसा कि आप देख सकते हैं सेक देख लीजिए सेक में देख लीजिए और सेक हो गया और यह जो वैल्यू है वह कितना का मान है, तो यह मान है 120 डिग्री का मान है, तो 120 डिग्री का हमें प्रयोग करना है, तो देख लीजिएगा हम 120 डिग्री का प्रयोग कर देते हैं, तो 120 डिग्री का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा सेक और 120 डिग्री यानी 2 पाई बटा 3। अब देख लीजिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो पाई बटा 3 और यह कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा, माइनस में है यह है 2 पाई बटा 3। अब देख लीजिए एलसीएम हो गया 3, इससे भाग देंगे एक मर्त में तो है पाई और माइनस इससे भाग देंगे तो 2 पाई, अर्थात एगो पाई बच गया माइनस में और बटा में 3, और यही हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर, ठीक है। और इस प्रकार से यह एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।